नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर बॉक्स ऑफिस वाला में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भेड़िया मूवी के तीसरे दिन के बारे में कि तीसरे दिन में ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है, इसके नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो उसके एस्टिमेट्स के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भेड़िया मूवी जिसको रिलीज हुए आज 3 दिन हो चुके हैं और 2 दिनों में इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 17 से लेकर 18 करोड़ रुपये हो चुका है। स्टार्टिंग में इस मूवी ने 7.47 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और दूसरे दिन थोड़ी सी ग्रोथ लेते हुए 9.57 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, लेकिन तीसरे दिन इसके अमाउंट्स में, इसके नंबर्स में और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है। तो तीसरे दिन जो प्रेडिक्शन निकलकर सामने आ रही है, जो नंबर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, वो 11 करोड़ के लगभग आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि अगर 11 करोड़ की ये कमाई करती है तो इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 28 से 29 करोड़ रुपए आराम से हो जाएगा। तो 50 करोड़ रुपए का इस मूवी का बजट है और इस मूवी का 3 दिनों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 28 से 29 करोड़ रुपए है। तो इसको सुपर डुपर होने के लिए कम से कम भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों संडे की उम्मीद है, लेकिन मंडे को इसकी ग्रोथ और कम हो जाएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि संडे वाले दिन 11 करोड़ या 12 करोड़ का बिजनेस इज ओके या नहीं ओके, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।